हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम आईसीटी में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन वैन वैन के बारे में, टाइप ऑफ टोपोलॉजी, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये तीनों टॉपिक हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और आज दोस्तों हम थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क की। देखिए हमारे कंप्यूटर में काफ़ी तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, मैन वैन, ये तीन तरह के नेटवर्क है। और इन्हीं तीनों के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो इन तीनों को हम अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके घर, कार्यालय, स्कूल के कंप्यूटरों में किया जाता है। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों लोकल होता है, बहुत सीमित एरिया के अंदर ये नेटवर्किंग की जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नेटवर्क है दोस्तों बहुत ही सरल और सहज होता है। इसका जो दायरा होता है दोस्तों ये सीमित होता है। जैसा कि मान के चलिए अपने स्कूल के अंदर कंप्यूटर जोड़ने 100 से लेके 1000 तक कंप्यूटर इसके अंदर जोड़ सकते हैं, लेकिन वो लोकल होगा, एक जगह पर होगा, अलग अलग जगह नहीं होगी उसकी। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इथरनेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इथरनेट कहते हैं। और इसके अंदर 100 से 1000 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक तो दोस्तों इन तीनों की आपको फुल फॉर्म याद होना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यह कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में दोस्तों हम कई सारे राउटर, स्विच और हब्स का इस्तेमाल करके इस नेटवर्क को बनाते हैं। और इसके अंदर दोस्तों हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखना। और क्योंकि अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग ऑप्टिकल तारों का यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग डिवाइस का यूज़ किया जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा होता है। जो मैन होता है ना दोस्तों वो इन दोनों के बीच का होता है, लैन और वैन के बीच में होता है। अब देखिए इसे एक थोड़ा सा फनी एग्जांपल ले सकते हैं, मैन मतलब आदमी, आदमी बिल्कुल बीच में फंस जाता है, अपनी जो पत्नी होती है उसके बीच में और अपनी माँ होती है उन दोनों के बीच में फंस जाता है, किसकी वो साइड ले। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं, मैन जो होता है वो बीच का होता है, लैन मैन वैन। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और ये एग्ज़ाम के अंदर आता है दोस्तों क्वेश्चन, इसमें से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आता है कि क्रम वाइज लगाइए। तो क्रम वाइज इसमें ये है, लैन सबसे पहले आएगा, मैन बीच में आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी बीच में फंस जाता है मैन, और फिर आएगा वैन। ठीक है, इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों, इसका एरिया 75 किलोमीटर होता है, 75 किलोमीटर एरिया जो रेडियस है उसके अंदर इस नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो स्पीड है दोस्तों 200 MB/s इसकी स्पीड हो सकती है। और उसके बाद में नंबर तीन पे आता है दोस्तों हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखना ज़रूरी है। और इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो 75 किलोमीटर से अधिक का एरिया होता
है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैन कहेंगे। इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए लीज लाइन कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, लीज लाइन कनेक्शन का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैन के अंदर क्या था, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों का उपयोग किया जा रहा था, ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। और लीज लाइन ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन होती है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ती है, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत बड़ा एरिया होता है और इसके अंदर बहुत 75 किलोमीटर से ज़्यादा नेटवर्किंग हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। देखिए टोपोलॉजी, नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइस या अन्य ऐसी डिवाइस जो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करती है, उनका आपस में कनेक्शन चाहे वो वायरलेस हो या फिर केबल के द्वारा हो, और वो नेटवर्क किस तरह से हुआ है, उसका लेआउट क्या है, उसकी आकृति क्या है, इस सभी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टोपोलॉजी कहते हैं। तो टोपोलॉजी को हम नॉर्मल भाषा में समझे तो दोस्तों, टोपोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि जो हम नेटवर्क तैयार कर रहे हैं उसमें किस कंप्यूटर का यूज़ हुआ है, किस सर्वर का यूज़ हुआ, किस मेन फ्रेम का, किस डिवाइस का, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ये दोनों शब्द मिलके ही नेटवर्क टोपोलॉजी बनाते हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी दोस्तों चार तरह की हो सकती है जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो गोल दायरे के अंदर रिंग के आकार में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ में गोलाकृति में जुड़े हुए होते हैं। और सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में अपने अधीन सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सभी, और कोई भी इसके अंदर मेन कंप्यूटर नहीं होता। और इसके साथ दोस्तों इसमें रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है, इसमें नॉर्मल स्पीड होती है, नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और मेन चीज़ इसके अंदर ये है, इसके अंदर ना ही तो कोई मेन कंप्यूटर होता है, ना ही कंट्रोलिंग कंप्यूटर होता है, और ये सभी एक गोलाकृति में जुड़े हुए होते हैं। नंबर दो पे हम बात करते हैं दोस्तों बस नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही केबल से सभी कंप्यूटर को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए एक टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करना आसान होता है, लेकिन किसी एक कंप्यूटर में खराबी होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। देखिए बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये जितने भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मान के चलिए इसके अंदर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो सारे के सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, इनमें से कोई भी एक खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बस की तरह ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नंबर तीन पे हम बात करते हैं दोस्तों स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे नाम से पता चल रहा है, आप यहाँ पे पिक भी देख सकते हैं, ये एक स्टार की आकृति में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक हब से ही सारे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे बाकी सभी कंप्यूटरों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर एक हब कंप्यूटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में, इससे ये जुड़े हुए होते हैं। और अगर ये हब कंप्यूटर बीच में ये जो है इस अगर ये खराब हो गया तो सारे के सारे कंप्यूटर वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। हब का ठीक रहना हमारे लिए जरूरी है। अगर मान के चलिए हब ठीक है और ये कंप्यूटर खराब हो गया तो दूसरे कंप्यूटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हब का ठीक होना जरूरी है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर हब में कोई खराबी आती है तो सारा का सारा नेटवर्क बेकार हो जाता है, लेकिन अगर कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ही अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जिग जैग मोशन के जरिए जुड़े हुए होते हैं, कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं।
किसी भी मैस कंप्यूटर में कोई खराबी आती है तो भी ये नेटवर्क काम करता रहता है। टोपोलॉजी को मैस नेटवर्क टोपोलॉजी या मैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसमें से कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। इसके अंदर होता है दोस्तों आईपी एड्रेस। एड्रेस मीन्स आपको पता चल गया कि किसी के पते की बात यहाँ पे चल रही है, किसी के एड्रेस की बात चल रही है। यहाँ पे जो एड्रेस है दोस्तों वो हम बात कर रहे हैं मोबाइल के एड्रेस, कंप्यूटर, इंटरनेट के एड्रेस की बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए फिजिकल के अंदर, मान के चलिए कोई चोरी कर ली, किसी चोर ने किसी घर से सामान चुरा लिया तो हम उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट पर कोई व्यक्ति या फिर कंप्यूटर पर कोई व्यक्ति गलत काम कर दे तो उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? उसको हम आईपी एड्रेस से पकड़ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। अब देखिए आईपी वर्जन दो तरह के हो सकते हैं दोस्तों। एक आईपी वर्जन 4, ये 32 बिट का होता है। और इसमें देखिए अब बिट और बाइट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बिट जो होती है ना दोस्तों, वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, और 4 बिट से मिलके एक निबल बनता है। एक निबल किसके इक्वल होता है 4 बिट के इक्वल होता है। इसी तरीके से बाइट की अगर हम बात करें तो 8 बिट के इक्वल टू 1 बाइट होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस की बात करते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं। आईपी वर्जन 4, ये दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम कहते हैं IPv4 कहते हैं, 32 बिट का होता है। और इसी तरीके से एक और होता है अपने पास IPv4, तो ये हमने पढ़ लिया। एक होता है IPv6 होता है, इसके अंदर जो बिट्स होते हैं 128 बिट्स होती है। ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। अगर हम इसमें डिटेल में बात करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमें इसमें डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि आईपी वर्जन दो तरह के होते हैं। एक तो आईपी वर्जन 4 होता है IPv4, और एक आईपी वर्जन 6 IPv6। अब देखिए आईपी वर्जन 4 के अंदर 32 बिट होते हैं और IPv6 के अंदर 128 बिट्स होते हैं। और इसको हम दोस्तों PNG आईपी न्यू जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। IPv6 को देखिए, PNG एक वो भी था हमारा फोटो के अंदर था, वो अलग है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये अलग है आईपी न्यू जनरेशन, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज़ प्रोटोकॉल एंड इट्स टाइप। प्रोटोकॉल क्या होती है और उसके क्या क्या टाइप है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसका क्या रूल है, किस हिसाब से वो शेयर हो रही है, क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी लग रही है, तो उसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल कहेंगे। अब देखिए इंटरनेट पर प्रोटोकॉल कितने तरह के होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। नंबर एक पे आते हैं दोस्तों हमारे पास TCP आती है। और एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। TCP की फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। TCP जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी ली। इसके कार्य की बात करें तो सेंडर से जब एक मैसेज रिसीव होता है तब TCP मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। देखिए सेंडर हमें कोई मैसेज देता है तो TCP क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। और ये छोटे छोटे पैकेट्स एक यूनिक सीरियल नंबर के अंदर होते हैं, और रिसीवर के पास जब ये पहुंचते हैं, ये पैकेट्स के अंदर पहुंचते हैं, सीरियल नंबर के अंदर पहुंचते हैं, तो इनको रीअसेंबल किया जाता है, दोबारा से फिर से जोड़ा जाता है, और फिर एक मैसेज तैयार किया जाता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है और जिसको हम फिर अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। ये बीच का जो प्रोसेस है दोस्तों, छोटे छोटे पैकेट्स में नंबर में ये जब डिवाइड होता है तो ये हमें पता नहीं चलता, और इसको हम रीड भी नहीं कर सकते, इसको हम समझ नहीं पाते। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर अपने हिसाब से करता है, और बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचते हैं उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके दोस्तों आगे हम बात करते हैं नंबर दो पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईपी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो हमने ऊपर पढ़ा टीसीपी और आईपी, ये दोनों लगभग एक जैसे से ही है, ज़्यादा इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए आईपी प्रोटोकॉल क्या होती है, जब भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर लेते हैं या फिर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं आईपी एड्रेस कहते हैं, और ये सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आती है। देखिए इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस बनता है हमारा किससे बनता है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल से बनता है, हमारा आईपी एड्रेस बनता है। आईपी एड्रेस क्या होता है दोस्तों, जैसे ये मान के चलिए आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वेबसाइट ओपन करते तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के सीरियल नंबर दिखे होंगे, ऐसे डिजिट आपको देखने को मिलेंगी, तो उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस कहते हैं। और ये आईपी एड्रेस ही हमें पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जोड़ते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम किसी को ढूंढ सकते हैं। किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको हम ढूंढ सकते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसने फेसबुक पे अपना नाम गलत लिख दिया, उसने मान लो लड़की के नाम से आईडी बना लिया, लेकिन लड़का है और वो गलत काम कर रहा है, तो उसको हम आईपी एड्रेस के ज़रिए बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। ये काम पुलिस का होता है, किस तरह से करना है, क्या करना है, उनको पूरी जानकारी होती है, और ये सभी काम हमारा आईपी एड्रेस के ज़रिए होता है। और इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आए हैं, हमारा ये जो 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी की बात करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। इस जो प्रोटोकॉल का नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, इसका इस्तेमाल दोस्तों ईमेल के अंदर रिसीव और सेंड करने के लिए किया जाता है। ईमेल के अंदर जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान में रखना। ईमेल के अंदर डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों नंबर 5 पे हम बात करते हैं एसएमटीपी की, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इसकी एक बार फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और बार बार आपको यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सभी की आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसका क्या काम होता है, जैसे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ कंपनियाँ हैं ईमेल की, ये क्या करते हैं कि ईमेल को भेजने या फिर रिसीव करने में जब इनके पास कोई ईमेल आता है तो ये आइडेंटिफाई करते हैं ये ईमेल कैसी है, ये स्पैमिंग ईमेल है, ये जंक मेल है, या फिर प्रमोशनल मेल है, तो वो उसको डिफाइन करते हैं और उसी हिसाब से वो अलग अलग फोल्डर में उनको डिवाइड करते हैं और अलग फोल्डर में भेजती है। तो इनका काम ये होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एफटीपी की बात करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे नाम से पता चल रहा है, जब हम इंटरनेट पे कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर लगभग सभी तरह की मल्टीमीडिया फाइल आ जाती है, जैसे कि वीडियो फाइल होगी, फ्लैश फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल होगी, इमेज फाइल होगी, जितनी भी हमारी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं वो एफटीपी के ज़रिए ही ट्रांसफ़र और सेंड होती है। दोस्तों नंबर 7 पे हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी की बात करते हैं, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है दोस्तों, जब हम वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो एचटीटीपी लगा हुआ होता है, तो इसका काम यही होता है कि जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर पर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करने का काम होता है, और इसके द्वारा दोस्तों हमारे एचटीएमएल वेब पेजेस बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको HTML की भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये हमारे डिजाइनिंग के अंदर यूज़ होती है। एक वेबसाइट या व्लॉग में सारे कोड, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज फाइल वगैरह सारी की सारी चीज़ें दोस्तों HTML के अंदर लिखी जाती हैं, और ये दोस्तों जो HTTP है ये हमारी वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, और ये सर्वर को एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन जोड़ता है, ये सारा का सारा काम करता है। और एक और जो चीज़ दोस्तों इसके अंदर वो और मैं बता देता हूँ, एक मिलेगा आपको HTTPS लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए पी के बाद में एस लिखा हुआ मिलेगा, एस का मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है जहाँ पे हम लेन देन कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे मान लें पेटीएम पे हम रिचार्ज कर रहे हैं या फिर बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी वेबसाइट जहाँ पे हम पैसों का लेन देन करें तो वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ होगा, एस का मतलब है सिक्योर, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इथरनेट की बात करते हैं, इथरनेट हमने शुरू में बात की थी, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन में किया जाता है, यह इंफॉर्मेशन को डिजिटल पैकेट के रूप में भेजता है। जो भी कंप्यूटर दोस्तों इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है वह इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का उपयोग करता है। यह एक तरह का कार्ड होता है जिसके ऊपर एक माइक्रोचिप होती है और उसमें यूनिक एड्रेस कोड लिखे हुए होते हैं, इसी कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों सिस्टम का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 9 पे टेलनेट। यह भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोट कंप्यूटर को एसेस करने के लिए किया जाता है। मान के चलिए दो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, दूसरे कंप्यूटर को हमें चलाना है, जैसे एनी डेस्क हम यूज़ करते हैं या फिर टीम व्यूवर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना है हमें। वेब में HTTP और FTP की मदद से किसी भी दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस करने की अनुमति देता है ये, मगर आप लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन टेलनेट के जरिए आप रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन डेटा और एसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तरीके से जैसे HTTP, हम मान के चलिए किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ओपन कर लिया हमने, लेकिन हम उसके इंटरनल चीज़ों को नहीं देख सकते, उसके एडमिन पैनल को नहीं देख सकते। लेकिन अगर हमारे पास टेलनेट है तो हम उस कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, बहुत कुछ हम उसके साथ कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा डेटा हम एसेस कर सकते हैं। ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। और अगर आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सिंपल चीज़ें इसमें दी हुई है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट, आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। आगे नंबर 10 पे हम बात करते हैं दोस्तों गोफर की बात करते हैं। ये भी दोस्तों एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ रूल है, या फिर इसको एक प्रोटोकॉल कह सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये भी एक क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ये होता है कि एक हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल पड़ी है उसको हम लोकल कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी हमारे जैसे डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल है, प्रोग्राम है, इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हाइपर लिंक्स नहीं होते, इसके जो लिंक्स होते हैं वो मेन्यू के रूप में होते हैं, लिस्ट के रूप में होते हैं, तो उनको हम उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के लिंक है, इन लिंक के जरिए यूजर डेटा को अपने रिमोट कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो गोफर का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे ICT से रिलेटेड, वो हमने अलग कर रखे हैं। उससे आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए निमिजनेट। अब देखिए दोस्तों, ये जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था कि TCP है वो किससे कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका आंसर सी है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी TCP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आगे देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि डैश इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, POP का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है हमारे लिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए जून 2014 के अंदर आया है कि FTP की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अगर आप ये टॉपिक वाइज PDF करते हैं, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये हमने सभी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं दोस्तों, जैसे टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। अब ये देखिए दोस्तों, ये वही आ गया ना, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसको अरेंज करना है। लैन मैन वैन के बारे में मैंने आपको बात की थी, तो इसका आंसर 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा लैन मैन वैन। मैन मीन्स आदमी है, आदमी बेचारा बीच में फंस जाता है, तो ये बीच में आ गया लैन मैन वैन। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये आया था हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 18 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया था। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि और नेटवर्किंग वगैरह से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए,
यह आगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मोडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, मोडम इज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मोडम कन्वर्ट एनालॉग डिजिटल टू डिजिटल सिग्नल एंड वॉइस वर्सा। तो इसका आंसर है टू है दोस्तों, इसका टू है ए और सी, मोडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस है। मोडम का इस्तेमाल करते दोस्तों जब हम वाइफ जो इंटरनेट है ना, जैसे BSNL का हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो केबल के जरिए टेलीफोन लाइन के जरिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो मोडम के जरिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं जैसे PDF की फुल फॉर्म पूछ ली इन्होंने, ये देखिए ये आ गया हमारा जो टोपोलॉजी है उससे रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, कौन सी इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखिए हमने स्टार टोपोलॉजी की थी, रिंग टोपोलॉजी की थी, बस टोपोलॉजी की थी, लेकिन चैन टोपोलॉजी किसी भी तरह की टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों फोर आ जाएगा, चैन टोपोलॉजी ये आ जाएगा, नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, और ये देखिए ए सेट ऑफ रूल यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेट होता है रूल्स का उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे। बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए दोस्तों कितना आसान है, कितना आसान है। अगर हम थ्योरी कर लेते हैं और थ्योरी करने के बाद में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करते हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए, और हमें पता भी चल जाता है कि UGC नेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड और भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज विद इन ए बिल्डिंग इज कॉल्ड, एक बिल्डिंग के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क उसको हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों आपकी आंखों के सामने कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए ये आ गया ना SMTP, SMTP की फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने पूछ ली, इसका आंसर है थ्री, देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लीजिए दोस्तों आपके सामने है, मैं ऐसे ही नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट है, जो आ रहा है हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं बताते। आगे हम बात करते दोस्तों, आगे देखते हैं आगे में से किस तरह से क्वेश्चन आया। हाँ एक ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी करेक्ट है वो हमें बतानी है। इसका आंसर है टू दोस्तों, ओनली बी हमारी राइट है। WWW इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क फर्स्ट स्टार्टेड विद फोर कंप्यूटर नोड्स, ये तो दोस्तों हमने नहीं पढ़ा। बी पे देखते हैं WWW इज ए सर्विस दैट रन ऑन द इंटरनेट, ये एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर रन होती है, तो इसका आंसर बी आ जाए दोस्तों। आगे देखते हैं, अब देखिए एक और आ गया हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, ये एक ही कंप्यूटर के ऊपर एक ब्रांड कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। दूसरा है दो एक्रोनमी ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर, ये नहीं है दोस्तों, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है, ये हमारा बी हमारा गलत हो गया, ठीक है, और ए भी हमारा गलत हो गया। ये केवल एक ब्रांड के कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होता, उस पर एक कंप्यूटर पे इसको यूज़ नहीं करते, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फोर आ जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ये दोनों के दोनों हमारे गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हैं, अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका UGC नेट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सकता है, आप GRF भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स लेने हैं और ये क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए NimEasyNet, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।